खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में एक बड़ा खेल चल रहा था। आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, मतलब शादी हो ना हो, लेकिन आपको शादी का प्रमाण पत्र पहले मिल सकता है। ऐसा ही एक प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में सबमिट की गई और सुरक्षा की मांग की गई। हाईकोर्ट को शक हुआ तो हाईकोर्ट ने इस विवाह प्रमाण पत्र की जांच के आदेश जारी किए। पुलिस ने जब जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। इस मामले में प्रयागराज डीसीपी अभिषेक भारती की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये लोग आर्य समाज कृष्णनगर कीटगंज के फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाते थे। पुलिस ने जब इनके ठिकाने पर रेड की तो कंप्यूटर और उसमें फर्जी सैकड़ों विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट मिले। पकड़े गए अनिल कुमार और दिनेश दुबे फोटोस्टेट की दुकान से पकड़े गए थे। पुलिस से पूछताछ में इन लोगों ने खुलासा किया कि आर्य समाज सहित कई बड़े धार्मिक संस्था के नाम से ये प्रमाण पत्र हूबहू बिल्कुल असली की तरह बना देते हैं और फिर जिसको हाईकोर्ट के माध्यम से सुरक्षा चाहिए होती है वो अपने प्रमाण पत्र को याचिका के साथ सबमिट करके कोर्ट में दाखिल कर देते हैं। फर्जी विवाह प्रमाण पत्र मामले में प्रयागराज के कई अलग अलग थानों में आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि इस मामले की अभी जांच आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इसमें अभी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कुछ अहम सबूत सामने आ सकते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित एक रिट याचिका के माध्यम से एक प्रकरण जो है वो संज्ञान में आया, जिसमें ये वर्णित है कि जो नव विवाहित कपल्स होते हैं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए रिट जो है वो दायर की जा रही है। उक्त रिट याचिकाओं की जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो कपल्स हैं ये कई सारी धार्मिक संस्थाओं के सर्टिफिकेट्स को फर्जी तरीके से बनवा कर शादी रजिस्टर करवाते हैं और फिर उन शादी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को दिखा के अपनी सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट जो है वो योजित करते हैं। उक्त के क्रम में थाना कैंट में एक मुकदमा लिखित हुआ जिसकी संख्या 218/24 है। इस FIR की विवेचना के क्रम में कल थाना कैंट पुलिस व SOG द्वारा एक जेरोक्स शॉप पर जो दबिश की गई, जहां पे दो अभियुक्त राजा और शेषमणि दुबे पुत्र दिनेश कुमार दुबे निवासी कर्नलगंज जनपद प्रयागराज व अनिल कुमार प्रजापति पुत्र सीताराम प्रजापति निवासी थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज, इन दोनों जेरोक शॉप पे काम करने वाले कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है तथा वहां पे 3 मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर व अन्य सामग्री बरामद हुई है। वहां पे 3 फर्जी धार्मिक संस्थाओं के वैवाहिक पंजीकरण के दस्तावेज जो वो बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी भी जो है वो बरामद हुई। UP News 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।